गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको एक बार बोला था कि मैं सुबह से शूट करती हूँ ना तो फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, तो आज सोच रही हूँ इवनिंग वाला रूटीन शेयर करूँगी आप लोग के साथ। अभी शायद अभी 4:30 हुए हैं और मैं अभी तक अपने बुटीक के काम पे लगी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पीस है ना, ये ग्रीन कलर का एक अनारकली मैं बना रही हूँ, हो जाएगा तो आपको श्योर दिखाऊंगी। और अभी इसका ही काम बचा हुआ है ना, अभी एक आध घंटे इसमें मुझे लग जाएंगे, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी, स्नैक्स वगैरह बनाएंगे हम लोग, फिर इवनिंग के सारे जो काम होते हैं ना वो सारे। आज मतलब पूरा आपका नाइट तक मैं मेरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। तो जो मैं बना रही थी अनारकली ड्रेस, ये रहा, मैं आपको दिखाती हूँ फुल स्केप, और ये हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इसके आउटकम को लेके। मैं आपको एक सेकेंड दिखा रही हूँ, कैमरा को रख देती हूँ एक जगह पे और आपको दिख रहा होगा ये, इसमें देखिए इस तरह के लटकन मैंने बनाए हैं और ये पूरा बहुत सारी इसमें कलियां हैं और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको सेल ना करके मैं खुद ही रख लूँ। सी लुक एट दिस। तो यहाँ स्नैक्स की तैयारी हो रही है, ये ब्रेड और आलू की टिक्की जो मैंने एक बार बताई थी ना वो वाली, इनको बहुत पसंद आती है ये। तो तब मैंने आपको ड्रेस दिखाया था, उसके बाद स्नैक्स दिखाया था, स्नैक्स बनाया, उसके बाद खाने के वक्त ही एक्चुअली थोड़ा सा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरे हस्बैंड इनको पढ़ाई के लिए बुला रहे, ये लोग आ नहीं रहे थे, फिर इन लोगों में झपड़ हो गया और दोनों बच्चे फिर मेरे पास आके रोने लग गए, पापा ऐसे क्यों बोलते हैं, पापा ऐसे क्यों है एंड ऑल। उसके बाद उनका मूड ख़राब, वो लोग एक्चुअली थोड़ा सा उनका तबीयत भी ख़राब है ना तो इरिटेबल रहते हैं। उसके बाद फिर कैमरा वहीं का वहीं रह गया मेरा, कुछ भी फिर मैं शूट नहीं किया और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, बिकॉज़ ये सब हो जाता है ना, इन लोग का मूड ख़राब हो जाता है, फिर ये लोग आके मेरे पास कंप्लेन करते हैं, फिर उनको मनाना, इन सब में एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है। तो अभी ये देखिए हम लोग सब ने हुडी पहना है, हम लोग एक्चुअली आज बॉनफायर की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आज से मतलब थोड़ा देख रहे हैं कि कैसा होगा। तो अभी मैं जाऊंगी बाहर और थोड़ा लकड़ियाँ जितने भी हैं वो सब इकट्ठा करके फिर थोड़ा आग जलाएंगे और बैठने का प्लान है, देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए फिर बाहर। तो ये देखिए बैकयार्ड आपको इस तरह से लगता है, ये ऑली सो रही है यहाँ पे और ये मैं लेके आई हूँ टर्पिन ऑयल है ये, पता नहीं क्या है, इससे थोड़ा सा आग जलाना पड़ेगा। और देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे एक मुझे लाइट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद ये है मेरा फायर का पिट, यहाँ पे आग जलाएंगे। ये देखिए Olivia is hugging Pocky. Oh, little baby. And now she's biting me. Now she's biting you. और ये देखिए हमारा आग लग चुका है और लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। लकड़ियाँ एक्चुअली थोड़ी उधर है, उधर दिख रहा है ना आपको, उस वो घर जैसा जो बना हुआ है वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है। मैं जब भी कुछ भी होता है ना वो सब वहाँ रखवा देती हूँ ताकि हम लोग यूज़ कर सके विंटर्स में। तो ये अभी हम लोग बॉन फायर करेंगे। देखिए हम लोग बैंगन और आलू को रोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आग में, इसका भरता बना के खाएंगे। और आलू बहुत परेशान कर रही है क्योंकि हमारे पास आया है बाबू। हाय बाबू। हाय हाय बाबू। हाय। हाँ आज ही बॉनफायर कर रहा है। मुझे तो चिप्स की स्मेल बहुत आ रही है। चिप्स की स्मेल कौन लाया है चिप्स? अरे ऐसे नहीं करते बाबू। तो फिर अंदर आके मैंने यहाँ पे सूप की तैयारी की है क्योंकि दोनों का तबीयत खराब है ना, तो दोनों बोले थे कि सूप पी रहे हैं, तो मैं ये चिकन सूप बनाने लगी उन लोगों के लिए। तो ये देखिए आग में भुना हुआ बैंगन और आलू और इसके साथ रूपा ने ये सब काट के रखा है, रूपा बनाएगी चोखा। हाय हाय।
পাৰি কেনে খাইছো আৰু বনফায়াৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে What kind of soup? I love it. You love it? Really? Let me show the soup. ये देखो, आज chicken soup बनाया है. इसको बहुत पसंद है. कल fish वाला था. वो भी खाया था इन लोगों ने. लेकिन इनको पता नहीं था कि वो fish का था. मैंने जो soup दिया था उन लोगों को. तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मतलब आज सैटरडे मॉर्निंग है. कल इवनिंग वाला व्लॉग शूट करी थी और कल व्लॉग एंड नहीं कर पाई क्योंकि पॉकी का मैंने आपको बताया था, शायद मैंने बताया भी नहीं होगा, पॉकी का भी तबीयत ख़राब था. तो कल दिन भर क्रैंकी थे वो लोग भी, तो दिन भर तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था. सोचा इवनिंग का कुछ व्लॉग मैं शूट कर लूँगी. इवनिंग को कुछ कुछ फुटेज मैंने शूट किए, उसके बाद फिर उनका क्रैंकीनेस थोड़ा सा बढ़ गया था. मैंने सोचा इसको अभी साइड में रखती हूँ, उनका केयर लेती हूँ. तो आज सुबह मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ और दूसरा व्लॉग भी आज इसी टाइम से शुरू कर दूँगी. और ये देखिए, सुबह आज परी को मैं पढ़ा रही हूँ बिकॉज उसका वर्क बहुत सारा पेंडिंग हो गया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसलिए वो नहीं कर पाई थी. और मैं सोच रही हूँ ये सुबह सुबह वाला पढ़ाई वाला रूटीन ही मैं रखती हूँ क्योंकि इवनिंग में क्या होता है, दोनों को मैं नहीं पढ़ा पाती हूँ. मतलब एक ही टाइम में मैं एक ही बच्चे को पढ़ा पाती हूँ. दोनों को एक साथ बिठाना तो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और किसी का भी पढ़ाई नहीं होता है. तो मैं सोचती हूँ किसी एक को मैं सुबह ही फ्री कर लूँगी, दूसरे को फिर इवनिंग में पढ़ा पाऊँगी या फिर दोपहर को किसी टाइम में मैं पढ़ा दूँगी तो इवनिंग के लिए मैं फ्री हो जाऊँगी. और इवनिंग में बहुत ज़्यादा हश-पश हो जाता है, नहीं तो पढ़ाई भी होती है, फिर स्नैक्स बनाना, फिर डिनर की तैयारी करना. और कभी कभी क्या होता है, वॉक करने का भी मन करता है इवनिंग में, थोड़ा बॉडी हैवी लग जाता है उस टाइम तक, तो बहुत सारा काम आ जाता है और बहुत हश-पश हो जाता है. तो सोचती हूँ इनकी पढ़ाई है तो जब इनका मूड फ्रेश रहता है ना उसी टाइम पे मैं करा दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा. सो या तो ये इवनिंग वाला व्लॉग आज मॉर्निंग को मैं एंड कर रही हूँ. आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. बाय फॉर नाउ गाइस. और अभी से ही मैं आज वाला जो व्लॉग है उसको शूट करना शुरू कर दूँगी. बाय फॉर नाउ. परी से बाय बाय.